दोस्तों, गुलदाउदी का समय आ गया है, ग्रोइंग पीरियड आ गया है गुलदाउदी का। इस समय आप गुलदाउदी का पौधा अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा गुलदाउदी का पौधा कटिंग से कैसे तैयार किया जाता है। जैसे कि पुराने पौधे होते हैं गुलदाउदी के, इसी से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से गुलदाउदी का पौधा लेने जाते हैं तो 20 से 30 रुपये, कहीं 50 रुपये का मिलता है। ये मेरे पुराने पौधे हैं, देखिए इसी से मैंने नई कटिंग तैयार की हुई है। अगर आप इस समय अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस समय आसानी से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो बरसात का समय है, इस समय मॉइस्चर बने रहता है। टेम्परेचर जो गुलदाउदी की कटिंग के लिए चाहिए होता है वो इस समय रहता है टेम्परेचर, तो आप इस समय गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा पुराने पौधों से गुलदाउदी की कटिंग कैसे लगाई जाती है और नए पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं। ये मेरे पास 3-4 वैरायटी के फूल है, इन्हीं की कटिंग मैं लगाऊंगा। और मैंने पुरानी जो कटिंग लगाई हुई है ये मैंने करीब 10 दिन पहले लगाई थी, देखिए कितनी अच्छी ग्रो हो रही थी। इनमें जड़ें भी आ गई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी कटिंग कैसे लगाई जाती है। ये देखिए, मैं इसमें एक पौधा निकाल के दिखाता हूँ आपको, उसमें जड़ें बन गई हैं। ये देखिए, ये पौधा निकाला है मैंने, इसमें देखिए ये जड़ें तैयार हो गई हैं। ये 10 दिन में ही गुलदाउदी की जो कटिंग है इस समय तैयार हो जाती है। ये जो महीना होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस 4 महीने में आप गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो सर्दियों का ही रहता है। सर्दियों के बाद इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, तो आप इस 3-4 महीनों में अगर इसकी कटिंग लगा लें तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गुलदाउदी की कटिंग लेने से पहले आप देखिए जो इसके जो पौधा होता है, जो मदर प्लांट है इसका, वो अच्छे से देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा। और इसकी कटिंग लेने से आप देखिए, ये जो कटिंग लेंगे आप इसकी, ये 3-4 इंच की कटिंग लेनी है आपने। जैसे देखिए 2, 3, 4, ये 4 नोड आ रहे हैं इसमें, उसके बाद इसको आप कट कर दीजिए इस प्रकार से। ये देखिए, ये कटिंग लेनी है आपने। इसी प्रकार से मैं 3-4 कटिंग ले लेता हूँ अलग अलग प्लांट की, अलग अलग कटिंग। आप हो सके तो इसमें आप कलर लिख दीजिए, अगर आप कोई कटिंग ला रहे हैं कहीं से तो उसमें कलर लिख सकते हैं आप। इस प्रकार से आप कटिंग ले लीजिए। देखिए, मैंने 4 अलग अलग प्लांट की कटिंग ले ली है। अब इस कटिंग को कैसे लगाना है आपने वो मैं बताऊंगा आपको। ये जो कटिंग ले रही है हमने, ये देखिए आप 4-5 इंच की कटिंग लेनी है आपने इस प्रकार से, छोटी कटिंग नहीं लेनी है मदर प्लांट से। उसके बाद आपने जो मिट्टी बनानी है इसके लिए, जो इसमें सॉइल मिक्सचर होता है जो कटिंग लगाने के लिए, वो देखिए इस प्रकार से होना चाहिए आपका। हो सके तो आप इसको खाली बजरी, जो रेता होता है जो नदी से निकलता है, उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिट्टी में लगा रहा हूँ। जो मैंने पहले ग्रो करी थी वो भी मिट्टी में ही थी। ये जो गार्डन सॉइल है आप उसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये गार्डन सॉइल लीजिए, आप कोई भी पॉट ले लीजिए, गमला मिट्टी का होना चाहिए। ये देखिए, ये गार्डन सॉइल मैंने इसमें भर दिया। इस प्रकार से आप गार्डन सॉइल लीजिए और मिट्टी का गमला है जैसे, इसमें लगाना है आपने। मिट्टी के गमले में अच्छे से ग्रो होती है। और जो कटिंग ले रही है आपने, देखिए उसके नीचे के सारे पत्ते निकाल देने हैं, नीचे कोई पत्ता नहीं रहना चाहिए इसमें। जहाँ पर को हम कटिंग लगाएंगे कम से कम 3 इंच उसको मिट्टी में लगाना है, इसलिए उसके नीचे के सारे पत्ते निकाल देने हैं। इस प्रकार से आप नीचे के सारे पत्ते निकाल दीजिए और ऊपर की जो टिप है नई ग्रोथ आ रही थी इसको भी निकाल दीजिए। नई ग्रोथ आएगी तो उसमें अगर आप लगाएंगे तो जो न्यूट्रिशन है वो नई ग्रोथ में ही यूज हो जाएगा, आपकी जो जड़ें हैं वो नहीं बन पाएंगी इसके प्लांट की। तो इस प्रकार से आप इसको, ये नोड एरिया देखिए, ये नोड एरिया है, इससे 1 इंच करीब नीचे कट कर दीजिए तिरछा। इस प्रकार से ऐसे ही सारी कटिंग बना देंगे। ये जो कटिंग से आपने निकाल लेगी इसको लगाने के लिए, अब इसमें आपने क्या करना है, या तो रूटिंग हार्मोन लगा दीजिए, जो मार्केट से आता है आप रूटिंग हार्मोन लगाकर वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं घरेलू उपाय करता हूँ इसमें। आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें लगा रहा हूँ इसको, इसका ये जो है हल्दी का पेस्ट है, हल्दी का पाउडर लेकर आप उसमें हल्का पानी डाल के उसका पेस्ट बना दीजिए, और जो कटिंग आप लगाना चाहते हैं उसमें इस प्रकार से इसको लगा दीजिए। इससे क्या होता है, इसमें फंगस नहीं लगता है। कटिंग खराब होने का मेन कारण ये रहता है उसमें फंगस लग जाता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो इससे यहाँ से फंगस लग जाएगा और आपकी कटिंग पूरी नीचे से काली हो जाएगी, इसलिए आप इस प्रकार से इसको लगा दीजिए। अब क्या करना है, आपने जो मिट्टी बनाई है
इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। आप रेते में भी लगा सकते हैं, रेते में भी सक्सेस हो जाती है ये वाली कटिंग। अभी मैं इसको मिट्टी में ही लगा रहा हूँ क्योंकि रेता अभी है नहीं मेरे पास। इस प्रकार से आप ये कटिंग लगा दीजिए और इसमें हल्का हल्का ये पानी डाल दीजिए। ये बरसात का समय है, हल्का मॉइस्चर इसमें रहेगा ही। और कभी आप जब देखेंगे इसमें ऊपर की मिट्टी सूख गई है तो हल्का पानी और डाल सकते हैं। इसको 3-4 दिन में देखते रहिए इसमें पानी कितना है। पानी अगर कम होगा तब भी कटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसमें मॉइस्चर बना के रखिए। और इसको कहीं छाया वाली जगह में रख दीजिए, जैसे कहीं पेड़ वगैरह हैं आपके बड़े, उनके बीच नीचे रख दीजिए। इसमें छाया रहनी चाहिए, इसको पूरे दिन की धूप में मत रखिए। और इसमें जो पानी है आप उसको चेक करते रहेंगे तो आपकी कटिंग जो है आपकी 10 दिन में इसमें जड़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप गुलदाउदी की जो पौधे की कटिंग है इससे मैं लगा दीजिए। और अगर आपने लगाई नहीं है तो अभी लगा सकते हैं, ये समय सही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस प्रकार से आप गुलदाउदी की कटिंग और अन्य कटिंग लगा सकते हैं, इस समय मौसम बढ़िया है। धन्यवाद।